शिवराज सिंह चौहान का दौरा निरस्त हो चुका है। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम का दौरा निरस्त कर दिया गया। कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव में शामिल होने वाले थे सीएम और इस दौरान ये दौरा रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये दौरा निरस्त कर दिया गया है। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम का ये दौरा था जिसको फिलहाल निरस्त कर दिया गया है और इस दौरान रुद्राक्ष मेले में रुद्राक्ष जो महोत्सव है बड़े पैमाने पर इसको आयोजित किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री को शामिल होना था लेकिन फिलहाल इसको निरस्त कर दिया गया है। तो कुबेरेश्वर धाम में ये बड़ा भव्य आयोजन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इसमें शामिल होना था। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम का ये दौरा फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले थे, सीहोर कुबेरेश्वर धाम का उनका दौरा था जो कि फिलहाल निरस्त हो चुका है। कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव में शामिल होने वाले थे सीएम, मुख्यमंत्री का ये दौरा फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। जितेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, ये दौरा रद्द कर दिया गया है, इसके पीछे कोई अभी वजह स्पष्ट हो पाई है? जितेंद्र, जो अभी तक ये पहले से कार्यक्रम तय माना जा रहा था, कुबेरेश्वर धाम में मुख्यमंत्री का आने का कार्यक्रम था लेकिन फिलहाल उसको निरस्त कर दिया गया है, कारण अभी तक स्पष्ट हो रहे हैं? कारणों की बात करें तो जिस प्रकार से कुबेरेश्वर धाम में आज रुद्राक्ष वितरण को लेकर एक भव्य कार्यक्रम किया जाना था और उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आने की जो बात थी वो कही जा रही थी, उसको लेकर आज यहाँ पर एक बात निकल कर आई है कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने यहाँ पर लाखों लोगों को बुला लिया ये कहकर कि वह रुद्राक्ष का वितरण करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यवस्थाओं की, तो देखिए अगर आप किसी व्यक्ति को बुलाते हैं और बताते हैं किसी प्रकार का प्रचार करते हैं कि आप लाखों करोड़ों लोगों को बुला रहे हैं, हजारों लाखों लोगों को बुला रहे हैं, तो आपको वहां पर व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, वहां पर लोगों के लिए रुकने की व्यवस्थाएं करनी थी, लोगों के खाने पानी पीने की व्यवस्था करनी थी, लेकिन ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की गई जिसके बाद यहाँ पर जो पूरी व्यवस्था है वो चरमरा गई। इतना ही नहीं, अब परेशानी के बाद कुबेरेश्वर धाम की तरफ से राज्य सरकार पर ठीकड़ा फोड़ा जा रहा है और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अपनी प्रसिद्धि के लिए धर्म का जिस प्रकार से प्रचार का लोग सहारा ले रहे हैं वो कहने के लोगों पर भारी पड़ता जा रहा है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से कुबेरेश्वर धाम में आज यहाँ पर जो एक ये भी आ रही है सूत्र के मुताबिक, जो सूचना निकल कर आ रही है कि कुबेरेश्वर धाम के जो तमाम लोग हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों का भी सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिस तरह से अव्यवस्थाएं लगातार फैलती जा रही है। कहीं ना कहीं कितनी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे थे या जो लोग थे कितनी संख्या में यहाँ पर पहुंचे थे? तो देखिए हजारों से लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु थे वो यहाँ पर पहुंच गए थे और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर व्यवस्थाएं देनी बेहद जरूरी हो जाती हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कुबेरेश्वर धाम जाने का जो दौरा था वो कैंसिल हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो अब ये भी बात निकल कर आ रही है कि जो कुबेरेश्वर धाम में तमाम जो पदाधिकारी हैं वो रुद्राक्ष के नाम पर लोगों से कालाबाजारी भी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं और लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि जो रुद्राक्ष के नाम पर लोगों को लूटने का भी जो प्रयास है वो किया जा रहा है। तो कहने की अव्यवस्थाएं फैलाने के लिए यहाँ पर अव्यवस्था फैली हुई थी और इसी को लेकर माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री का दौरा भी फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। खैर, बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार चल रहा था लेकिन उस दौरान अव्यवस्थाएं होने की वजह से फिलहाल इस कार्यक्रम को लेकर के मुख्यमंत्री का जो दौरा था उसको निरस्त कर दिया गया है। वहीं 2023 के पहले चुनाव के तहत